इसे बनाने के लिए हमें 3 कप मैदा, 2 कप मावा, 2 कप चीनी पाउडर, आधा कप घी, आधा कप ड्राई फ्रूट, आधा कप गरीब रादा और थोड़ी सी चिरौंजी चाहिए। सबसे पहले हम एक पैन गरम करके और उसमें ये मावा डाल देंगे। इसको थोड़ा धीमा कर लेंगे, इसको रोस्ट करेंगे। इसको ऐसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अब गैस बंद कर देंगे। इसको अगर हम कम पकाएंगे तो इससे हमारे कच्चेपन का टेस्ट आएगा और भुजियाँ जल्दी भी खराब हो सकती हैं। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल के 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। यदि आप चाहें तो आधा कप सूजी को भी रोस्ट करके इसमें मिला सकते हैं भुजियों में। इसको रोस्ट कर देंगे, ये हमारी सूजी भी रोस्ट हो गई और इसको भी ठंडा करने रख देंगे। अब हम एक परात लेके और उसमें ये मैदा निकाल लेंगे। इसमें ये घी डाल के और इसको घी को इसमें मैदे में अच्छी तरह मिला देंगे, जिससे सारा घी सारे मैदे में मिक्स हो जाए। अब ये घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथते जाएंगे। अब ये हमारा आटा गूंद चुका है, इसको ना ज्यादा टाइट गूंदना है ना ज्यादा लूज गूंदना है। अब हम इसको एक गीले कपड़े से 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, अब ये मावा भी हमारा ठंडा हो गया है। अगर ये कहीं कहीं थोड़ा गाढ़े से पड़ गई है तो इनको चम्मच से महीन कर लेंगे। अब ये एक सा हो गया, अब इसमें मैं चीनी मिला दूंगी। अब ये चीनी मिल गई है, इसमें नारियल ड्राई फ्रूट मिला देंगे और ये चिरौंजी भी मिला दूंगी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी फिलिंग तैयार है तो हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब ये हमारा डो भी तैयार है, इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ऐसे हम सारी लोइयां बना लेंगे। बेलते समय अगर ये चिपक रही है तो इसमें थोड़ा सा घी या मैदा यूज कर सकते हैं। अब इसकी हम पतली पूड़ी जैसी बेलेंगे। ये पूड़ी मैंने बेल ली है, ऐसे मैंने 4-5 पूड़ियाँ बेल के रख लिया। अब हम इन्हें फिल करेंगे। पूड़ियाँ बनाते समय देख लें कि जो पूड़ियों का साइज है ये गुजिया मेकर से थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा ना हो। अगर छोटा होगा तो ये गुजिया टूट जाएंगी। अब ये लेके हम इस गुजिया मेकर पे रखेंगे इसे। अब ये सारा कवर हो गया, अब इसमें साइड से पानी लगा देंगे। फिर इसमें 1 चम्मच ये जो मिश्रण तैयार करके रखा था ये भर देंगे और इसको ऐसे हल्के से प्रेस करेंगे। अब ये सब जगह से दब चुका है, अब इसको ऐसे एक्स्ट्रा जो पूरी है ये निकाल देंगे और ये हमारी भुजिया तैयार है। को हम ऐसे करेंगे और इसको अब ये दूसरी पूड़ी लेके इसको भी वैसे ही बनाएंगे। ऐसे हम ये सारी भर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके और ये गुजिया हम इसमें डालेंगे।
इसको घी में भी तल सकते हैं, और इसको तलते समय हमेशा धीमी आंच रखें। अभी ने हम निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी भुजियाँ बनके तैयार हैं।